जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो हमारा ऑलाइन इधर खड़ा है, महादेव रखा है आगे, भगवान की भक्ति भी रखी है, हर वाहन में रखते थे पहले में। ये ऑलाइन से हमारा साइंट द 4x4 है, इधर दिखाई नहीं देता ज़्यादा इसका टायर। इधर हमारा बुलेट है, ये बुलेट है पुराना है, ये 1953 का है, 1953 का है। दो बार तो मैं बनाया है। मेरे पास भी कम से कम ये 30 साल के आसपास से है, 30 साल से आसपास के है, तब से है ये। 70 साल पुराना होगा ये, 1971 का उसका रजिस्टर नंबर है ना, वो है पुराना वाला। ये बड़े वाला ट्रैक्टर है इधर, ये तो अभी निकला ही नहीं है, एक दिन निकला था ये घोड़ाओं के रूम में बालू सही करने के लिए। इधर ये छोटे वाला है, ये निकलता है कभी कभी बाहर, ये निकलता है कभी कभी बाहर। ये भी ज़्यादा सलाह नहीं है, ये भी 350 घंटे सलाह है, 350-400 घंटे ही सलाह है, क्योंकि ये जब सिंग बोते हैं ना तभी ये चलता है खेत में, बाकी तो खड़ा ही रहता है। वो चलता है बड़े वाला ट्रैक्टर, सिंग निकालने के बाद वो ही चलता है, सिंग निकालता भी वो है। इधर हमारे क्रोपियो खड़ी है, देखो मिट्टी मिट्टी भरी हुई। इधर में भी महादेव रखा है, यानी इसमें भी महादेव है, और इधर खड़ी है बहुत दिन से खड़ी है, हवा भी निकल गई है टायर से। और इधर हमारी शिप खड़ी है, ये गाड़ी यू खड़ी है, ये दो होंडा है, ये बनाया हुआ होंडा है, ये भी बनाया हुआ है दोनों। इधर एक खांड वांड ले जाने के लिए है, सब जोगाड़ है गाय के लिए, गाय घोड़ा बैलों के लिए। ये हमारा सिलमर गाय है, देखो इधर घर पे आ जाता है अभी तक, ये पूरा दिन कहाँ भी घूम लेता है, डरता कम है। इधर उधर ये सिंग में भी जाता है, कल भी बारिश थी दोपहर पे, बहुत बारिश थी कल, और आज भी नाइट में आई थी बारिश, नाइट में आई थी कल दोपहर पे आए, 1 बजे आई थी, बढ़िया बारिश आई थी। इतनी तो ज़रूरी है सिंग को, इसमें खातर, यानी खातर डाल रहा है, ये ना खातर पे, लेकिन कल दोपहर पे बड़ी आई थी बारिश। इधर में देखो ये निकली नहीं है एक बार में से, ये यहाँ से इतना में निकली नहीं, पर पूरी सब बढ़िया सीन। इधर दिखाते हैं हमारी अति सुंदर क्या कर रही है, अति सुंदर और अति रूपारी दोनों इधर है। हमारी अति सुंदर और अति रूपारी दोनों इधर, दोनों बहन है, देखो दोनों खाना खा रही है, यहाँ मीठी मीठी भरी हुई है। देखो चुटकी क्या कर रही है, ये छोटे वाली है इसका नाम अति रूपारी है, और बड़ी वाले का नाम अति सुंदर है। ये दोनों देखो ये भी खाना खा रही है, देखो चुटकी भी उठा उठा के खा रही है, पहुँच नहीं सकती वहाँ। देखो ये काकरेज की ताकत मेरे हिसाब से 8-10 दिन की है, फिर 8-10 दिन की है। ये अति रूपारी है छोटे वाली, तो देखो खा रही, खाना तो आता नहीं, तो दूध बढ़िया मिलता है, तो बारिश है ना, तो इसलिए वो भी परेशान है। देखो क्या करती है अभी, देखो ऊपर उठ के उठाएगी, वहाँ पहुँच नहीं सकती ना, तो खड़ी होगी। बहुत बड़ी प्यारी लगती है, छोटी होती है तब। ये इसकी बहन है, वो मेरे हिसाब से होगी 1 साल के आसपास की, अति सुंदर। ये तो 10 दिन की होगी, 10-12 दिन की।
दोनों कलर में थोड़ा फर्क रहेगा, कहाँ ऐसी हो जाएगी, ये बड़ी होगी तब देखो। भाई जब किसी को नॉर्वे जाना है तो बहुत बढ़िया है, उसमें अनपढ़ आदमी भी चलेगा, उसमें पेट्रोल पंप का काम है, वेयर हाउस का काम है, और ट्रक ड्राइवर चाहिए, बड़ी ट्रक चलाते हैं ना वो ड्राइवर चाहिए, उसमें बढ़िया है जाने के लिए भाई साहब। और दूसरा एक CNC कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, और डेनमार्क में उसमें पगार है 432,000। कितना? 432,000, 4,500 यूरो वहाँ का पगार है डेनमार्क का, और बढ़िया वो भी देश से, वो यूरोप का है, उसमें भी आप 20 साल से 45 साल तक लेडीज और जेंट्स कोई भी चलता है, और कंप्यूटर का काम है, और बहुत लोग कंप्यूटर वाला है भाई साहब। जाना है तो बढ़िया है वहाँ, क्योंकि 432,000 पगार होता है उसका चन्नू लेके, तो डेनमार्क का है। उसमें आपको जाना है तो मेरे को फोन करना, मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389, 9852 053 89 तो ये बहुत बढ़िया है भाई साहब जाने के लिए आपको ये। और दूसरा एक जर्मनी है, उसमें ना जर्मनी भी जाना है, वहाँ भी 3,45,600 पगार है, क्योंकि जर्मनी में जाना है। अब फोन करना, पूरी विगत मैं आपको दे दूंगा, वो जर्मनी में जाना है तो भी, उसमें भी आप वहाँ 5 साल बाद हर देश में आपको हक मिल जाता है। और किसी को कनाडा जाना है तो कनाडा भी चालू है, वहाँ भी कनाडा का 3,60,000, इधर का 3,60,000 पगार है, उसमें रुपया बहुत लगता है, 19,50,000 ज़्यादा लगता है कनाडा में। लेकिन ये कनाडा से भी बढ़िया देश से आप 15 घंटा भी कंप्यूटर पे काम कर सकता है तो आप 5-6 लाख भी कमा सकता है। लेकिन CNC ऐसा जो ये कोई अपने रेडियम वेडियम नहीं लगाते, वहाँ कंप्यूटर से कटिंग होता है, आपने देखा होगा जो कोई रेडियम वाला दुकान होती है वहाँ कंप्यूटर से कटिंग होता है, और ऐसे कटिंग करता है वो मशीन से, ऐसा कंप्यूटर का ऑपरेटर चाहिए, CNC ऐसा ही होता है वो SC, तो ये बढ़िया है भाई साहब। और वेयर हाउस में भी बढ़िया है जाना है तो, है ना, वेयर हाउस में भी आपको जाना है तो उसमें ये 10 लाख भरना पड़ेगा वेयर हाउस में, ये डेनमार्क में 25 बंदा हो गया लेडीज और बंदा सब, तो उसमें ये वेयर हाउस तो ऐसा ही सुनो कि गोडाउन है, उसमें कोई सामान आता है उसको वेयर हाउस में पैकिंग करना है, और पैकिंग इधर उधर आता है उसको उधर उधर भेजना है, वो वही करना है, दूसरा वेयर हाउस में कुछ नहीं होता। तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, डिस्ट्रिक्ट भी पोरबंदर है, गुजरात भारत, इसमें नेपाली भी चलेगा, श्रीलंकन चलेगा, इजिप्त वाला भी चलेगा, अभी बांग्लादेश तो बंद कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश में तो झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं है। देखो हमारी अति सुंदर, अति सुंदर 1 साल की हुई है, तो अपना शेरनी जैसी लगेगी, ऐसी गाय रखेंगे ना आप भाई साहब तो आपका कोई करोड़ का बंगला नहीं देखेगा, गाय देखेगा वाह गाय रखी है। आप कितने की भैंस रखो, वो भैंस वाला होगा ये वो देखेगा, दूसरा कोई नहीं देखेगा। आप 10 लाख की भैंस रखो, 15 लाख की रखो, 2 लाख की रखो, 2 लाख ही उसकी रेट होता है, 15 लाख तो नहीं होता। लेकिन गाय बंगला के पास खड़ी रहती ना तो पहले सब ऐसी हमारी अति सुंदर जैसी गाय होगी ना तो पहले तो गाय देखेगी वाह गाय रखी। आप 1 करोड़ की गाड़ी लेके निकलेगे बाजार में तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन इसको लेके निकलेगा ना तो सब देखेगा वाह बढ़िया, क्योंकि ये भगवान की दिया हुआ तोहफा है, भगवान के बनाए हुआ चीज। तो गाय रखिए, घोड़ा रखिए, बैल रखिए, कुत्ता रखिए, और पक्षी रखिए, उसको खिलाए। देखो हमारे अति रूपारी घूम रही है इधर, यानी अति रूपारी घूम रही है, तो दूध तो पी लिया, और ये अति सुंदर है।
अति सुंदर जैसी गाय आपके घर पे होगी ना, देखो शहर नहीं खड़ी है, ऐसा ही आपका मान भी बढ़ जाएगा और इज्जत भी बढ़ जाएगी। करोड़ का बंगला कोई देखने वाला नहीं, गाय देखेगी, गाय होगी, बैल होगा, बोलेगा ये बढ़िया है, पहले गाय को देखेगा और बैल होगा देखेगा, देखो इधर हमारे राम नहीं पहाड़ और पर्वत दोनों खाना खा रहा है, इसके बीच में गिर है वो तो मरा हुआ ऐसा लगता है। देखो आई है हमारे अति रूपारी, अति रूपारी इधर उधर घूमती है, इसको खाने की तो कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो खाना खाती ही नहीं, क्योंकि खा रही थी छोटा मोटा। तो ऐसा है भाई साहब, ऐसी रखो अति सुंदर जैसी गाय होगी ना, तो कोई देखने वाला देखते रह जाएगा, ऐसा है। इधर देखो ये हमारे बड़े मर गए है, इधर ये तो आया ही नहीं है, अभी बाहर नहीं है, खाना खा रहा है, ये इसका रूम है देसी मरगा का, वो जो पहले बताया ना सिल मरगा है, वो गिर अर्जुन नंदी है ना, उसका रूम में रहते हैं, है ना, उसका रूम में रहते हैं। तो ऐसा है भाई साहब, देखो ये झगड़ालू बहुत से, ये है ना झगड़ा बढ़िया करता है, ये देसी मरगा है। देखो अति रूपारी, ये भी इतनी होगी तब ऐसी खूबसूरत हो जाएगी, ये थोड़ा मेरे हिसाब से कलर में पैटर्न में थोड़ा इधर उधर फर्क आएगा, कहाँ ऐसी हो जाएगी सफ़ेद, क्योंकि इसकी माँ सफ़ेद है। देखो मस्ती कर, मस्ती करनी है, मस्ती ऐसा है भाई साहब, गाय रखेंगे, बैलो रखेंगे, घोड़ा रखेंगे, तो कोई देखने वाला देखेगा, बंगला करोड़ का बनाएगा ना तो कोई नहीं देखेगा, हमारे महाकाल जैसा नंदी खड़ा होगा, अति सुंदर जैसी और ऐसी गाय खड़ी होगी तो उसको देखेंगे वाह रखा है, तो इसको रखिए आप, करोड़ का बंगला बनाएगा तो बंगला नहीं देखेगा, हमारे पास तो है ही नहीं बंगला। देखो ये देसी कुत्ता रखा है, बहुत बढ़िया गुस्सेल है, बढ़िया गुस्सेल है, आराम फरमा रहा है। देखो ये मुर्गी इसकी रोटी खा रही है, इसमें दूध डाला है, रोटी डाला है और जन्म टिप दिया हुआ है, अगर किसी को काटता नहीं, गुस्सेल बहुत है वो, किसी को काटता नहीं, और गांव में भाग जाता है इधर उधर, कहाँ घूमने लिए निकल जाता है। देखो ये आई है माता अति रूपारी, तो बढ़िया प्यारी लगती है, ऐसी ऐसी बसड़ी घूमती है तो बढ़िया प्यारा, तो बारिश थोड़ा तंग कर रही है लेकिन क्या करेगा, इसमें तो कुछ चलता नहीं है हमारा। ये भाई साहब किसी को जाना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9852 0539, और भाई साहब बढ़िया है ये नॉर्वे में, ये कोई भी चलता है इसमें नॉर्वे में, नॉर्वे में कोई भी चलता है, पढ़ा लिखा की कोई ज़रूरत ही नहीं, अनपढ़ भी चलेगा, लेडीज और जेंट्स 20 साल से 23 साल से 45 साल, और बहुत बढ़िया है भाई साहब जाने, ये लंदन से भी बढ़िया देश है, आप भी गूगल में देख लेना नॉर्वे करके, यानी कि नॉर्वे करके आप भी गूगल में सर्च करना, वहाँ 3000 यूरो पगार है और वहाँ कोई ज़्यादा काम भी नहीं करता, ये देखो ये लेबर है काम कर रहा है, तो देखो ये 300 रुपया में सुबह से शाम तक काम करेगा, सुबह 8 बजे आया है, 1 बजे इसको रेस्ट मिलेगा, खाना मिलेगा, 2 बजे वापस लग जाएगा, शाम को 6 बजे तक ये काम करेगा खेत में, तो 300 रुपये मिलता है इसको, कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, और आपको एक दिन का 10,000 से भी ज़्यादा वहाँ 2,88,000 तो एक दिन का, वो भी 22 दिन का, 12-13 हज़ार एक दिन का होता है अपना देश का, ये इसके पास तो पैसा नहीं है किसी के पास 10 लाख में, ये जाएगा ना काम करने के लिए तो MP UP का लेबर है, ये कभी वापस भी नहीं आएगा, हिंदुस्तान का नाम भी नहीं लेगा, लेकिन इस गरीब लोग है इसके पास पैसा नहीं है, वो तकलीफ है बड़ी, इसको गवर्नमेंट लोन भी नहीं देती, ऐसे लोग को गवर्नमेंट को लोन देना चाहिए, ये तो वहाँ जाके 3 मंथ में वापस भर देंगे, लेकिन ऐसा मोदी साहब को सोचना चाहिए कि गरीब लोग विदेश जाते हैं तो उसके लिए लोन देना, जैसे थाईलैंड में है ना, थाईलैंड में वहाँ की गवर्नमेंट लोन देती है गरीब लोगों का, और वहाँ जाके वो लेबर ही सब आते हैं बढ़िया काम भी करते हैं, हमारे तो इधर भेजते हो किसान जाते हैं और पैसा वाला जाते हैं तो बढ़िया काम नहीं करते, ये करते हैं ना ऐसा काम नहीं करेगा,
बहुत काम करते हैं, हमारी साइड एमपी यूपी राजस्थान से ये सब लेबर आते हैं, कोई काम किसान तो कोई कोई काम करता है, किसान नहीं काम करता, किसान तो घर पे बैठते हैं। क्योंकि 300 रुपया रोजी है इसकी तो दे देते हैं, क्यों 300 रुपया में कोई किसान काम नहीं करते, छोटे वाला भी नहीं करते, बड़े वाला तो ठीक है, हमारे जैसे बड़े किसान तो ठीक है नहीं पहुँच सकता, जिसके पास 5 बीघा ज़मीन है ना वो भी लेबर ढूंढ लेते हैं, वो भी बोलते हैं 300 रुपया दे देंगे, काम नहीं करना है किसानों को भी। इसलिए ये बारिश जहाँ हो रही है बहुत हो रही है, नहीं हो रही है वहाँ नहीं हो रही है, सूखा पड़ा है वहाँ सूखा है, ऐसा ही है। देखो ना ये सीन बहुत बढ़िया, ये सब बढ़िया हो जाएगी। इसमें अभी एक नर्मदा फोस ऐसा खात आता है, नर्मदा डालेंगे, नर्मदा खात आता है, सिंह का आता है पेशियत, तो डाल रहा है लड़का, तो ऐसा है भाई साहब। यह माता जी।